कुछ करेगा धमाका एकदम से। सो आने वाला है यूट्यूब पे खुद सौरभ जोशी के साथ कोलैब करने वाले। हाय टू द ब्लॉग। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं बहुत बढ़िया, आई होप आप लोग भी सब बढ़िया होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और सीन ये है कि हम आए हुए हैं अपने खेतों पर। ये आप लोगों को दिखा दूं मैं, खेत देखो साइड में, ये अपने खेतों पर हम आए हुए हैं। और मेरे बस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके जस्ट पीछे ये है नदी, ये साइड खेत के बराबर से नदी होकर गुजरती है, ऐसे कुछ सीन है यहाँ पे। तो भाई मैं आया हूँ अपने दादा के साथ, तो दादा ने बोला कि चलो भाई पेड़ लगाने चलते हैं खेत पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे पेड़ लगाएंगे पॉपुलर के, और पॉपुलर के पेड़ मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि कैसे होते हैं हमारे यूपी साइड में। तो ये भाई ये पॉपुलर का पेड़ है, आप लोगों को दिखा दूँ मैं ऐसा कुछ दिखता है। अभी बसंत ऋतु आएगी तो ये सब हरे भरे हो जाएंगे, फिलहाल तो ये सूखे हैं। और पेड़ लगाने के लिए हमारे पास है ये एक इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कहते हैं सब्बल। इससे हम इसका क्या काम है कि इससे गड्ढा खोदेंगे और पेड़ गाड़ देंगे। तो फिलहाल इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। और भाई आप लोग ब्लॉग में बने रहें, और जो भाई भी अभी चैनल पे पहली बार आया उसको चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लॉग को लाइक कर देना। मार मार के सब्बल तेरे गहरे करते गड्ढे खोद दूँ मैं। गड्ढे खोदते हैं कहाँ से लगेंगे? कार्य प्रगति पर है भाई, लगे हुए हैं मेहनत में। भाई पेड़ वगैरह लग चुके हैं, काफ़ी थकान हो गई यार। देखो तुम्हारे भाई ने पेड़ ही पेड़ लगा दिए हैं तमाम। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये किस तरीके के पेड़ लग रहे हैं, ना तो इनकी जड़ है ना कुछ है। तो भाई इनका साइंस यही है कि इन वाले पेड़ों की जब नर्सरी से लोग लगाते हैं पॉपुलर को, तो इनकी जड़ नहीं होती, ये बिना जड़ के ही फूट आते हैं नीचे से। तो हमने भी उसी तरीके से लगाए हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आ चुके हैं फिलहाल घर पे पेड़ लगाकर, और आराम कर रहा था मैं थोड़ा सा। अभी सर की कॉल आई थी जो स्कूल में पढ़ाते थे, उनका भी एक छोटा सा काम है। तो अभी हालत ख़राब हो रही है, अभी नहा धो के और खाना खा के फिर रेडी होकर निकलते हैं। आगे से मैं ज्वाइन करूँगा मयंक को, अगर वो घर पे मिलता है तो अभी कॉल करूँगा उसको। फिर काम थोड़ा अर्जेंट है, उनका काम करते हैं। और हाँ, तो गाइज नहाने के बाद और खाना खा के फिर घर से मैं निकल गया था तैयार होके कुछ ऐसा। अभी मैं आया हूँ दादा को खेत पे छोड़ने, तो उनको कुछ काम था। और हाँ, मेरी मयंक से बात हुई थी अभी, तो वो कुछ स्टार्ट करने की सोच रहा है, यूट्यूब वगैरह पे चैनल बना रहा है। तो कुछ कह रहा था मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा मतलब बाद में रिवील करेगा, वो कुछ करेगा धमाका एकदम से। सो उससे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और जो अपना काम है वो भी करेंगे, उसको लेके चलेंगे। फिर भी कोशिश करूँगा मैं कुछ कर दे वो रिवील, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। तो फिर चलते हैं और मिलवाते हैं आप लोगों को भी। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ भाई मयंक भाई के घर, तो मयंक से मिलेंगे। क्या हलचल, से हाय टू द ब्लॉग। अरे मयंक क्या बंद कर ले रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। अरे कॉपीराइट तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई लोअर के ऊपर पैंट कौन पहनता भाई, लोअर गर्मी में धूप निकल रही बाहर। ये इंसान सुड़ सुड़ करके चाय पी रहा है, सुड़ सुड़ करके चाय आ लिया भाई, चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। काफी देर गुफ्तगु हो गई, अब मयंक भाई को करते हैं टाटा। हेलो भाई, मयंक भाई एक गाइस, भाई हमारे भैया ब्लॉग में भी नहीं आना चाह रहे, बड़े लोग भला चलता है मुझसे मजनू। बड़े लोग, हम बड़े ब्लॉगर हम उस मांगो। अब ये सीधे सौरभ जोशी के साथ कोलैब करने वाले हैं। सौरभ जोशी के साथ अगले मंथ में रखूं ले, जल्दी इनका चैनल आने वाला है यूट्यूब पे,
कुछ ना कुछ आएगा धमाकेदार। मैं नहीं मानता। गाइस चल रहे भाई, मयंक भाई को टाटा करते हैं, बाय। लेकर आए हम दादा की हायाबूसा, दिए आलसी प्राणी। चलते हैं अब, करते हैं स्टार्ट, ठीक है। काम वगैरह निपटा के मैं आ चुका हूँ घर वापस। वो मयंक से बातचीत हुई जो उसको करनी थी, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और हाँ यार, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।